हाय एवरीवन, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल मार्केट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ इंपोर्टेंट ट्रिक्स। शायद आपको ये ट्रिक्स नहीं पता होगा। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल मार्केट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। तो मैं बात कर रहा था कंप्यूटर के कुछ इंपोर्टेंट ट्रिक्स क्या है, तो चलिए सीख लेते हैं वन बाय वन कंप्यूटर के इंपोर्टेंट ट्रिक्स। सबसे पहले हम सीखते हैं क्रिएट फोल्डर विदाउट नेम। आप फोल्डर को बिना नाम किससे कैसे बना सकते हैं, आप फोल्डर को बिना नाम से किस तरह सेव कर सकते हैं, तो चलिए मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। सिंपली आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू पे कर्सर ले जाएंगे, देन यहाँ पे आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यू फोल्डर। अगर आप इसे ट्राई करते हैं ब्लैंक रखने के लिए, तो ये आपका सेव नहीं हो पा रहा है। मतलब ये है कि आप फोल्डर को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ नेम आपको देना पड़ेगा, ये बिना नेम का सेव नहीं हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फोल्डर जो है वो बिना नाम से सेव हो, मतलब आपका ये ब्लैंक हो फोल्डर, ये फोल्डर जो है वो बिना नाम से सेव हो। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, या अगर आप विंडोज 10 यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे कैरेक्टर मैप। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टर मैप सर्च हो गया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। कैरेक्टर मैप ओपन हो जाने के बाद आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लैंक बॉक्स बहुत सारे हैं, आप किसी एक ब्लैंक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट, आप सेलेक्ट पर क्लिक करें। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कॉपी देख सकते हैं, आप कॉपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो फोल्डर आपने क्रिएट किया है अभी, उस फोल्डर को रीनेम करना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, उस फोल्डर पर राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, आप रीनेम पर क्लिक करेंगे और अभी आपने जो कॉपी किया है आप उसको पेस्ट करेंगे। तो सिंपली आप कंट्रोल वी यहाँ प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका ये फोल्डर जो है वो विदाउट नेम से सेव हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फोल्डर का कोई नाम नहीं है, विदाउट नेम आपने फोल्डर को सेव कर दिया है। तो इस तरह से आप फोल्डर को विदाउट नेम से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि आप किसी फोल्डर को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकुलर नाम ऐसे हैं जिस नाम से आप उस फोल्डर को सेव नहीं कर सकते। वो कौन सा नेम है जिससे आप फोल्डर को सेव नहीं कर सकते? सपोज आप यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, तो इसको आप, इस फोल्डर को आप चाहे जिस नाम से सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको हाई नाम से सेव किया तो सेव हो जाता है। आप चाहे तो इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको हेलो नाम से सेव किया तो आप इसको सेव कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिससे आप उस फोल्डर को सेव नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस फोल्डर को सेव करना चाहते हैं CON से, अगर आप CON से सेव करना चाहते हैं तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, द स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड। तो आप CON नाम से सेव नहीं कर सकते हैं इस फोल्डर को। नेक्स्ट हमारा है PRN नाम से। अगर आप इस फोल्डर को सेव करना चाहते हैं PRN से, तो आप देखिए इसको सेव करते हैं, दोबारा आपको वही मैसेज आया, द स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड। तो आप PRN नाम से फोल्डर को सेव नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप NUL से सेव करना चाहते हैं तो आपका फोल्डर सेव नहीं होगा।
सेम आपको वही मैसेज आता है, द स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड। तो इस तरह से आप CON, PRN एंड NUL नाम से आप फोल्डर को सेव नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा है हाइट फोल्डर। आप किसी फोल्डर को हाइट किस तरह कर सकते हैं, या आप यू कहें किसी फोल्डर को इनविजिबल कैसे करते हैं। दोस्तों, किसी फोल्डर को हाइड करने के लिए आप या तो किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में जो फैसिलिटी है कि आप किसी फोल्डर को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विंडोज़ में हम किसी फोल्डर को किस तरह से हाइड करते हैं। आप यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करें, राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे, देन आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख लें। चलिए मैं इसको हेलो नाम से सेव करता हूँ। अगर आपको इस फोल्डर को हाइड करना है तो सिंपली क्या करेंगे, आप इस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़, आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप यहाँ पर सबसे नीचे देख सकते हैं हिडन, आप इसको चेक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देन आप ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका फोल्डर जो है वो हाइड हो चुका है, आपका फोल्डर इनविजिबल हो चुका है। तो इस तरह से आप हाइड किसी फोल्डर को कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है, इसमें आप ना ही किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे और ना ही आप विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट मेथड्स को आप यूज़ करेंगे, जो बहुत ही बेस्ट तरीका है। सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे, देन आप यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे। इसको आप किसी भी नाम से सेव कर लें, मैं इसको हेलो नाम से सेव कर लेता हूँ। अब मुझे इस फोल्डर को हाइड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाके इसको सर्च करेंगे, या आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे सर्च करेंगे कैरेक्टर मैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेक्टर मैप आपका सर्च हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ब्लैंक बॉक्स हैं। आप किसी एक ब्लैंक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट, आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप कॉपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो फोल्डर आपने अभी क्रिएट किया है उस फोल्डर को रीनेम करना है, तो सिंपली आप उस पर राइट क्लिक करेंगे उस फोल्डर पे, और यहाँ पर देख सकते हैं रीनेम का ऑप्शन है, आप रीनेम पे क्लिक करेंगे। और आपने अभी जो कॉपी किया है कैरेक्टर मैप से, आप यहाँ पर सिंपली उसको पेस्ट करेंगे। तो आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, उसके बाद आप इस फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़, आप प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमाइज़, लास्ट ऑप्शन है कस्टमाइज़, आप कस्टमाइज़ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सबसे नीचे देख सकते हैं चेंज आइकॉन, आप चेंज आइकॉन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसको थोड़ा सा राइट जो है स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैंक आपके पास ऑप्शन है, तो आप इसमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर लें। चलिए मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई, आप अप्लाई पे क्लिक करें, उसके बाद देन ओके पे क्लिक करें। तो अब आप देख सकते हैं कि आपने जो फोल्डर अभी बनाया था हेलो नाम से, वो आपका हाइड हो चुका है, इनविजिबल हो चुका है, आप उस फोल्डर को नहीं देख पा रहे। अगर आप उस फोल्डर को देखना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, स्क्रीन पे आप इसको ड्रैग करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका फोल्डर जो आपने अभी क्रिएट किया था वो आपका विजिबल। तो इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जो फोल्डर आपने बनाया था वो फोल्डर आपका यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, और आप बिना विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट मेथड का यूज़ किए हुए। नेक्स्ट मेरा है टैब को ओपन करना। आप किस तरह से टैब ओपन करते हैं, मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 4 टैब ओपन कर रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको न्यू टैब ओपन करना होता है
जनरली आप जब न्यू टैब ओपन करना होता है तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस तरह से आप टैब को ओपन करते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट की होता है जिससे आप इजीली टैब को ओपन कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल टी के साथ आप टैब को ओपन कर सकते हैं। आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एक टैब ओपन हो गया। नेक्स्ट आप फिर अगेन आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आप इस तरह से न्यू टैब को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टैब री ओपन करना। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा 5, 10, 15 टैब ओपन कर रखे होते हैं और गलती से आपका कोई टैब क्लोज हो जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है, तो आप उस टैब को सर्च करने के लिए आप सेटिंग में जा कर के हिस्ट्री में आप उसको सर्च करते हैं, फिर आप उस टैब को ओपन करते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट की है जिसकी मदद से आप आसानी से उस टैब को, जो टैब आपका क्लोज हो चुका है, आप उस टैब को रीओपन कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट टी। आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी प्रेस करके आप उस टैब को रीओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अभी 4 टैब ओपन कर रखा है। तो इसमें से अगर आप कोई टैब क्लोज करते हैं और उसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी प्रेस करेंगे तो वो टैब आपका रीओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप टैब को रीओपन कर सकते हैं अगर आपका कोई टैब जो है गलती से क्लोज हो जाता है तो। नेक्स्ट हमारा है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा टैब, 5, 10, 15 टैब ओपन होता है तो आप उस टैब पे मूव किस तरह से कर सकते हैं, लेफ्ट डायरेक्शंस में और राइट डायरेक्शंस में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 4 टैब ओपन कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको राइट डायरेक्शंस में 1 टैब मूव करना है तो सिंपली आप कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 टैब आप मूव हो रहे हैं राइट डायरेक्शन में। अगर आपको 1 टैब मूव करना है लेफ्ट डायरेक्शन में तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ टैब को प्रेस करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा टैब जो है लास्ट वाले टैब पे है। अभी मैं लास्ट वाले टैब पे हूँ और मुझे अभी लेफ्ट डायरेक्शन में 1 टैब मूव करना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ टैब को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं आप तीसरे टैब पे आ गए, दूसरे, उसके बाद आप फर्स्ट पे। तो इस तरह से आप, अगर आपको राइट डायरेक्शन में टैब पे मूव करना है तो आप कंट्रोल टैब को प्रेस करेंगे, और अगर आपको लेफ्ट डायरेक्शन में 1 टैब मूव करना है तो सिंपली आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है स्क्रीन को रोटेट करना। जनरली जब आप स्क्रीन को रोटेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफिक ऑप्शन, आप इस पर कर्सर ले जाते हैं, देन उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं रोटेशन, और रोटेशन के बाद आप यहाँ देख सकते हैं रोटेट टू 0 डिग्री। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, 90 डिग्री, 180 एंड 270 डिग्री। तो आप यहां से अपने स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपकी गलती से आपका कोई की प्रेस हो जाता है और आपका स्क्रीन जो है वो रोटेट हो जाता है, फिर उसको सही करने के लिए आपको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, फिर उस स्क्रीन को सही करने के लिए आपको कुछ दिक्कत भी होती है। तो इस कंडीशन में आप एक शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, आप अपने स्क्रीन के रोटेशन को बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने स्क्रीन को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करना तो आप सिंपली ऑल्ट कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे। अगर आप चाहते हैं स्क्रीन को डाउन डायरेक्शन में रोटेट करना तो सिंपली आप ऑल्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस करेंगे। अगर आप चाहते हैं अपने स्क्रीन को राइट डायरेक्शन में रोटेट करना तो आप सिंपली ऑल्ट कंट्रोल के साथ राइट एरो को प्रेस करेंगे। और लास्टली अगर आप अपने स्क्रीन को रोटेट करना चाहते हैं अप डायरेक्शन में तो सिंपली आप ऑल्ट कंट्रोल के साथ
अप एरो को प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप अपने स्क्रीन को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन रोटेट कर सकते हैं विद शॉर्टकट की। आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।